हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप इंडिया के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का, कोई से भी आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर अगर आप किसी एग्जाम के लिए, अपने टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ये सेशन रेगुलर देखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग दोस्तों हर वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, हर चीज़ के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को जो है हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो कि आज सुबह 5 बजे, ओके, डेली के जो है हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं सुबह 5 बजे दोस्तों, द हिंदू, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, फिनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर है जो कि मैं पढ़ के आपके लिए, PIB और PRS को इंक्लूड करके जो है ये सेशन है जो कि बनाया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे के सारे एग्जाम है, अगर आप इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रेगुलर देखना चाहिए। सबसे पहले ये सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है, आवाज आ रही है परफेक्टली? हाँ, तो जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि हमने मणिपुर में हम लोग बना रहे हैं, उसकी हाइट के बारे में मैंने आपसे पूछा था, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, 141 मीटर आपका सही आंसर होगा। भारतीय सरकार ने किस वर्ष जल शक्ति अभियान की शुरुआत करी थी? यहां पे भी आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि 2019 में इसकी शुरुआत करी गई। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में पुलिस को किस अनुसूची की राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है, स्टेट लिस्ट ऑफ विच शेड्यूल? तो आंसर हो जाएगा आपका 7th शेड्यूल, यानी कि ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीन पीपल, ये कौन से साल पहली बार उसको ऑब्जर्व किया गया? तो ये 1977, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। सुजलम सुफलाम अभियान किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही बढ़िया सवाल, और आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU10 या भुवनेश्वर 10 यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएगा सभी कोर्सेज में, जैसे कि UPSC है, PCS है, डिफेंस है, बैंकिंग है, SSC है। ओके, SSC के अंदर बात करें तो आप देख सकते हैं प्राइसेस अभी काफ़ी डाउन है, ऑलरेडी आप लोगों के लिए डिस्काउंट है 24 मंथ का, आप 250 रुपये में, और आइकॉनिक 350 रुपये में जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं पर मंथ में, नीचे रेफरल कोड लगा के। आपको कुछ नहीं करना, ऐप डाउनलोड करनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, अपना गोल सेलेक्ट करना है, SSC है, UPSC है, जो भी आपका गोल है, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में, उसके बाद 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको यूज़ करना है। स्पेशल क्लास की बात करें तो कल तो हुई थी 9 बजे, आज होगी शाम में 5 बजे, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं स्पेशल क्लास। और GS का फाउंडेशन बैच, अगर आपने दोस्तों कभी GK नहीं पढ़ी मुझसे, तो आप SSC में पढ़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको कंप्लीट जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, GK सब कुछ कवर करवा रहा हूँ, और मज़ा आ जाएगा आपको, किसी भी एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में एक बच्चे की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं smileforsociety.org की वेबसाइट पर जाके, एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेकर, आप चाहे तो वॉलंटियर भी बन सकते हैं वॉलंटियर का फॉर्म फिलअप करके, और अगर आपको रिन्यू करना है तो आप रिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आज का कोट ऑफ द डे है टाइम, द हीलर एंड द किलर, तो बिल्कुल सही बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। देखिए, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए हीलर भी होता है ना, बहुत सारी जो है गलत चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में होती है, फेलियर्स होते हैं, हम हमारे अच्छे लोगों को खो देते हैं लाइफ के अंदर, तो टाइम जो है वो धीरे धीरे, टाइम के साथ में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वापस से रिकवर करते हैं, वापस से चीज़ें नॉर्मलाइज होती है, वक्त के साथ में हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। चाहे आपने कितने अच्छा दोस्त, कितने अच्छा फैमिली का कोई रिलेटिव या फैमिली का कोई मेंबर खोया हो, या फिर आपने कोई अपना फेलियर आपने देखा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कितना भी बुरा हुआ हो, वक्त जो है वो हर चीज़ को भर देता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस है जो कि रखना होता है। लेकिन साथ में दोस्तों ये किलर भी है, अगर आपने टाइम वेस्ट करने के ऊपर ज़्यादा दे दिया दिन का, यकीन मानिए दिन के कम से कम 8 घंटे तो अपने काम को देना ही देना है। समझ गए मेरी बात? जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई जॉब कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, मतलब कुल मिला के आपका जो डे है वो यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, आप संडे के दिन वीकेंड एक ऑफ कर सकते हो, उस दिन आप जो चाहे वो करो, टाइम वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर आप में 7 में से 6 दिन तो जो है वो कोशिश करें कि कम से कम आप जो है वो टाइम को वेस्ट ना करें, और जो भी आप करियर में बनना चाहते हैं उसको लेकर प्रोग्रेस करें, चाहे छोटी सी प्रोग्रेस करें, लेकिन प्रोग्रेस करना जरूरी है। ठीक है गाइज,
चलिए आगे बात करते हैं, द हिंदू के फ्रंट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जीएसटी कलेक्शन को लेकर बताया गया, जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है दोस्तों 4.5 साल पहले, सेकंड हाईएस्ट टाइम दोस्तों नवंबर में जीएसटी का कलेक्शन है जो कि हुआ है 1.31 लाख करोड़ का, वही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मुनावर फारूकी के बाद में बेंगलुरु के अंदर दोस्तों कुणाल कामरा का जो शो है वो भी कैंसिल करवा दिया गया। भाई साहब ने दो रीजन दिए हैं, एक रीजन तो दिया यहाँ पे कि कोविड का प्रोटोकॉल था, 45 लोगों से ज्यादा अलाउ नहीं था, दूसरा यहाँ पे इनको थ्रेट आई और शो कैंसिल करवाने की धमकी दी गई, ठीक है। और ये दो कारण इन्होंने ट्विटर पे लिखे हैं। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट दे दी है, बेल दे दी है, मतलब ऐसी ग्रांट, सुधा भारद्वाज बेल, सुधा भारद्वाज जो भीमा कोरेगांव केस है उस वाले केस से संबंधित है। यहाँ पे ओ माइक्रोन को लेकर है दोस्तों, हमने इंटरनेशनल फ्लाइट आपको मालूम है ना 15 दिसंबर से हम लोग ओपन कर रहे थे कि भाई ठीक है कहीं पे जाओ कहीं पे आओ, अभी हमने उसको डिले कर दिया है, हम उसको ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो नया वायरस आया है ओ माइक्रोन, इसके फेयर की वजह से है ना। तो न्यू डेट जो है वो नॉर्मलाइजेशन की अभी घोषित नहीं करी गई है। अच्छा, सुजलाम सुफलाम अभियान जो है वो गुजरात का है, ओके मैंने महाराष्ट्र बता दिया, ठीक है ठीक है। अरे हाँ ठीक है, उसको गुजरात कर लेना यार, सो सॉरी। ठीक है, ये वाला हो गया पूरा। तो फ्रंट पेज पे अगर आप देखोगे तो कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमारे पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट हो या डिस्कशन करने के। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पेज नंबर 2 पे बात करेंगे दोस्तों। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो छोटी सी खुशखबरी है कि दिल्ली के अंदर जो वैट जो था दोस्तों, जो कि पहले 30% तक वसूला जा रहा था, उसको घटा के 19.4 है जो कि कर दिया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। आपको मालूम है कि जो भी आपकी पेट्रोल या फिर डीजल की जो प्राइसेस है उसका जो 3/4 भाग है वो सिर्फ टैक्सेस में जा रहा है। इस 3/4 टैक्सेस में दोस्तों 30% के नियर बाय तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल रही है, और 20-25% के आसपास है जो कि स्टेट गवर्नमेंट है जो कि वसूल रही है। ओके, थोड़ा सा सेंट्रल ने कम किया, अब उसके बाद में स्टेट भी जो है वो कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिल्ली ने तो दोस्तों काफ़ी अच्छा 30% तक का है जो कि कर रखा था, अभी उसको 19.4% है जो कि कर दिया है, जिसकी वजह से कोई नियर बाय 8 रुपये के आसपास पेट्रोल प्राइस है जो कि यहाँ पे रिड्यूस होगा। समझ गए, ये यहाँ पे बात बोली गई है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपकी पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस बनती है वो 4 पैरामीटर से बनती है। एक तो आपका सेंट्रल का टैक्स हो गया, एक आपका स्टेट का टैक्स हो गया, एक डीलर का कमीशन हो गया, और एक आपके जो रॉ जो ओरिजिनल प्राइस जो है हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल पहुंचता है ना तब उसकी, तो ये 4 चीजों से मिलकर है जो कि बनता है ना। चलिए पेज नंबर 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो गिफ्ट सिटी के बारे में जानेंगे। हालांकि आपने पहले भी कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज दोस्तों थोड़ी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड सिटी के तौर पर इमर्ज है जो कि गिफ्ट सिटी हो रही है। 200 से ज्यादा एंटिटीज है यहाँ पे जो कि ऑपरेशनल है, जो कि हो चुकी है। अराउंड 7 किलोमीटर दोस्तों गांधीनगर से दूर है, साबरमती के किनारे 850 एकड़ के अंदर, एक जो कि बंजर जमीन थी रिवर के पास में, मतलब ओके बंजर तो क्या बोलेंगे, लेकिन हाँ खाली पड़ी एक जमीन थी जो कि रिवर के पास में थी। तो इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड सिटी है जो कि इसको बनाया गया। ओके, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि बताया जाता है, बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, 2007 का प्रोजेक्ट है मतलब, और अब शुरुआत में काफ़ी तेजी से काम हुआ, लेकिन बीच में जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, अब थोड़े टाइम से वापस से इम्प्रूवाइज हुआ है। 12,000 लोग हैं जो कि यहाँ पे काम करेंगे गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के अंदर, जो कि इंडिया और वर्ल्ड की ओनली फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है जहाँ पे बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल सर्विस फर्म, ये सब अपने ऑपरेशन है जो कि सेटअप करेंगे। समझ गए, 67% कमर्शियल एरिया है, 22% रेजिडेंशियल, 11% सोशल स्पेस है जो कि यहाँ पे दी गई है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे जो MD और CEO है दोस्तों गिफ्ट सिटी के, उनका नाम है तपन रे। जैसे आपने गुड़गांव में देखी होगी ना DLF सिटी है, कभी देखिए कि आपने DLF सिटी गए होगा कभी गुड़गांव में, कभी नहीं गए ना, तो अगर आप कभी DLF सिटी जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया के अंदर हो ही नहीं, आप हांगकांग या फिर कोई आप सिंगापुर के अंदर घूम रहे हो, आपको कुछ इस तरीके से जो है वो महसूस होगा। मतलब अंदर एकदम EXPN, स्टार स्पोर्ट्स, बिंदास और भी आपके बड़ी बड़ी कंपनी उसके हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, है ना, नीचे पब खुले हुए हैं, ऊपर ऑफिस चल रहे हैं, ऊपर लोग पैसे कमाते हैं नीचे उड़ाते हैं। ओके, जब मैं पहली बार गया था, जब मैं 18 साल का था, तो मैं देख के हैरान हो गया था, मतलब कि यार ये इंडिया में ये क्या अपन, मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्या अलाउ करेगा कि जाने के लिए अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए, फिर लगा कि ठीक है यहाँ तो बहुत कॉमन है मतलब। तो 2018 के अंदर कुछ एक कंपनीज थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिए थे, 18 साल नहीं मेरे ख्याल से 21-22 साल में दिए थे, 18 साल तो नहीं, 2010 से 12-13 के आसपास की बात होगी आई गेस।
ओके, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो उसी तरीके से क्या बहुत जगह पे इस तरीके की बनी हुई है, जैसे जयपुर में महिंद्रा सेज बनी हुई है ना। लेकिन इनसे काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि ये है दोस्तों, गिफ्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है गाइस, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स एक लंदन के द्वारा 2020 में गिफ्ट सिटी को दुनिया की 15 ग्लोबली सेंटर के अंदर है जो कि यहाँ पे बताया गया था। काफी सारे बैंक, काफी सारे चीजें हैं जो कि यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, 2007 के अंदर ये आइडिया था, जब बड़ी बात यह कि चाइना की एक कंपनी है उसी को ये टेंडर दिया गया था, है ना, जिसने शंघाई को बनाया था, तो उसी को ये टेंडर है जो कि उस जमाने में दिया गया था। ये एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो कि अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में बनाया गया। यहाँ पे हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, रोड, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, बहुत ही अच्छी लोकेशन, एक तरीके से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इंटरनेशनल एजुकेशन जोन, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एंटरटेनमेंट जोन, सब कुछ यहाँ पे बना रखा है, मतलब है ना। चलिए, तो गुजरात अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस दोनों के द्वारा मिलकर है जो कि इसको बनाया गया था। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 को लेकर दोस्तों। पेज नंबर 8 के बारे में बात करें तो हमारे लिए देखिए, एक तो पिछले 10 सालों में 1100 एलिफेंट की मृत्यु हो गई, जिसमें से 741 की जो डेथ हुई है ना, वो किसके वजह से, बिजली के वजह से दोस्तों, बिजली से टकराने के जो तार होते हैं, इंटरलोकेशन होता है ना, करंट लगने की वजह से हुआ है। तो इसको ऊपर काम करने की जरूरत है, ये यहाँ पे बताया गया। हमारे लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, विंटर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर इस बार गर्म होने वाले हैं दोस्तों नॉर्मल से, यानी कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी विंटर्स के अंदर भी कंपैरेटिवली, तो ये आईएमडी के द्वारा बोला गया है। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात हो गई कि 12th क्लास का एक पेपर हुआ था अभी सीबीएसई बोर्ड का, सोशियोलॉजी का, वहां पे दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत ही अजीब गरीब आ गया कि कौन सी गवर्नमेंट के टाइम पे 2002 के रायट से जो कि गुजरात में हुए थे तो इसको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि यहाँ पे हो गई है, मतलब है ना, ऐसा कुछ अजीब ऐसा क्वेश्चन है जो कि बनाया गया। चलिए आगे बात करते हैं, तो देखिए विंटर इन नॉर्दर्न इंडिया, वहां पे इतनी ज्यादा सर्दी जो है इस बार नहीं पड़ने वाली है, ये बात आईएमडी के द्वारा बोली गई है। और नॉर्मल टू अबव नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर है जो कि दिसंबर से फरवरी के बीच में रहने वाला है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मतलब मैंने भी कोई जैकेट पहनना शायद ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा ऐसी जरूरत महसूस हो नहीं रही है काफी टाइम से, मतलब जैकेट की, तो ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर कम नहीं इस बार नहीं हुआ है क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है विंटर्स के अंदर भी। यहाँ पे इस बार दोस्तों एक जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो है कलर कोड। इस बार जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से आईएमडी ने जो है वो यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं किया, वो कलर कोड के हिसाब से किया है। जैसे कि ये लोग कलर कोड के हिसाब से बता रहे हैं कि भाई कितना टेम्परेचर है जो कि ज़्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि हर एक रीजन के, हर एक स्टेट का अलग ज्योग्राफी है, अलग अलग टेम्परेचर के वेरिएशन है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आईएमडी ने इस बार जो है वो कलर कोड रीजन है, सिस्टम है जो कि यूज़ किया है दिखाने के लिए कि कितना टेम्परेचर का वेरिएशन कहाँ पे आ रहा है। समझ गए मेरी बात, ये बात ध्यान रखनी, इससे ज़्यादा कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। आईएमडी की बात करें, 1875 में फॉर्मेशन हुआ, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 350 करोड़ रुपये का बजट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हमारे जितेंद्र सिंह जी है ना, मृत्युंजय महापात्रा जी है जो कि अभी इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 9। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों यूएपीए को लेकर, यूएपीए है, इसके अलावा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट केसेस है जो कि यूएपीए के अंडर में करे गए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। मतलब बड़ी अजीब बात पता है क्या हो गई कि जम्मू कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब जम्मू कश्मीर में 346 दोस्तों यूएपीए के केसेस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेररिज्म है जो कि इंडिया में देखने को मिलता है, बिकॉज पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर है और काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चलती रहती है काफ़ी सालों से, है ना। लेकिन इस बार तो दोस्तों यूपी ने जो है वो बिल्कुल पीछे ही छोड़ दिया जम्मू कश्मीर को भी, और 361 केसेज है जो कि देखने को मिले। फर्स्ट के ऊपर है दोस्तों यूपी, सेकंड के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड के ऊपर है मणिपुर। तो ये जो डाटा है वो गवर्नमेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर है जो कि पेश किया गया, 361 केसेस है जो कि यूएपीए के अंदर अरेस्ट करे गए, है ना। जो है कि ये किसी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो है जितेंद्र नित्यानंद राय जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम उनके द्वारा दिया गया है ना। 2019-20 की बात करें तो 1900 केसेज और 1300 केसेज है जो कि रजिस्टर करे गए हैं। 2016 के बाद से 7,243 केसेस है जो कि यूएपीए के तहत अरेस्ट करे गए। और बड़ी बात पता है क्या है कि इसमें से 212 लोगों को दोस्तों कन्विक्ट है जो कि घोषित किया गया है, ये यहाँ पे दोस्तों नंबर दिया गया है। जैसे जैसे आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, देखिए मणिपुर जो डार्क में है ना वो है ना। चलिए ओरिजिन के बारे में बात करें तो देखिए पहली बार यूएपीए 1967 में लाया गया था, और इससे पहले ताडा, पोटा ये सब कानून है जो कि हुआ करते थे, है ना, टेररिज्म को लेकर। एम क्या था,
ये एक इफेक्टिव प्रिवेंशन था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है इंडिया में होती है उनको रोकने को लेकर। कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन इंडिया में हमारे इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करती है, सोवरेनिटी को डिस्टर्ब करती है, तो इस लॉ को काम में लेने के लिए, यूज़ करने के लिए बोला गया। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट जो है इसको टेररिज्म से ज़्यादा जो है वो लोगों की वॉइस को दबाने के लिए काम में ले रही है। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 7,500 में से मतलब 200 और 250 के लोग आसपास है जो कि कन्विक्ट है। इसमें एब्सोल्यूट पावर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती है जिससे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोक सकती है। पनिशमेंट की बात करें इसमें डेथ पेनल्टी भी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, बोथ इंडियन या फिर फॉरेन नेशनल दोनों को इसके अंदर चार्ज है जो कि किया जा सकता है। हालांकि देखिए इसमें चार्जशीट का जो टाइम है वो तो 180 दिन का है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है टाइम लेकर कोर्ट से। 2004 में इसमें टेररिस्ट एक्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इंडिविजुअल लोगों को भी एड ऑन कर दिया गया था, है ना। 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट है जो कि किया था कि इंडिविजुअल या टेररिस्ट दोनों को जो है इसके अंदर डेजिग्नेट कर सकते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी सीज कर सके। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कई बार कि ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया लेकिन वो आदमी क्या दूसरे नाम से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर लेता था, तो उस आदमी को ही तो यहाँ पर टेररिस्ट है जो कि करार देने की शुरुआत है जो कि कर दी गई, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल जो है NIA के, उनको अप्रूवल मिलता है सीज करने के लिए, प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए। NIA या उससे ऊपर के रैंक का जो भी ऑफिसर है वो भी इसका ऊपर काम है जो कि कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इसमें बेल नहीं मिलती है, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। 180 दिन तक तो आपको जेल में पड़े रखना पड़ेगा और ऊपर से आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपने किया क्या है। तो थोड़ा सा बहुत ही अजीब लॉ है मतलब ये वाला। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 10। यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है G20 को लेकर, ठीक है गाइज। G20 यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, इसके अलावा तो कुछ खास यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तो यहाँ पे देखिए G20 का सम्मिट है जो कि होने वाला है, जिसमें हमने दोस्तों वेनेसडे को जो है ट्रोकिया को ज्वाइन कर लिया। ट्रोकिया क्या है, ये 3 देशों का गठबंधन है जैसे कि इंडिया हो गया, इटली हो गया और आपका इंडोनेशिया हो गया, जिन्होंने जहाँ पे आपको मालूम है इटली के पास चेयरमैनशिप 2020 में थी, हमारे पास 2021 की थी, इनके पास हमारे पास 2022 की है। और इंडोनेशिया की बात करें, सबमिट देख लो आप इनके सबमिट, ये देखो इंडोनेशिया के पास 2022 की, इटली के पास 2021 की और हमारे पास 2023 की है दोस्तों, ठीक है गाइस। तो ये सबमिट है जो कि होने वाला है, तो हम लोग इसको लीड है जो कि करेंगे 2023 के अंदर। तो ये तीनों देश जो कि 21, 22, 23 वाले ना, उनको ट्राइब का नाम है जो कि दिया गया है। और मूव इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंसी नेक्स्ट ईयर है जो कि हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो है ना, तो इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, ये तीनों देश हैं, इन सभी को जो तीन साल का सबमिट करवाने वाले हैं उनको लेकर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं G20 के अंदर 20 कंट्रीज हैं, जहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, हम लोग ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की है, ये सारे के सारे कंट्रीज। हमारे आसपास के कोई भी कंट्रीज के अंदर नहीं है, बस एक चाइना को छोड़ के, जो हमारे आजू बाजू में है ना, चंगू मंगू छोटे छोटे कंट्रीज है, उनमें से कोई भी दोस्तों इसका इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप एशियन कंट्रीज के बारे में भी बात करोगे तो एशियन कंट्रीज में भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक बस एक इंडोनेशिया है जो कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो काफ़ी दुनिया के जो 20 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज या जो डेवलप कंट्रीज है वो इसके अंदर शामिल है, देख सकते हो आप मैप पूरा का पूरा। और 1999 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, अभी विडोडो जो इंडोनेशिया है उसके पास में चेयरमैनशिप है, है ना। ये देखिए 21-22 वाला, 22-23 वाला जो है वो हमारे पास में होगा, दिल्ली के अंदर इसको करवाया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 दोस्तों। यहाँ पे यूरोप ने भी जो है वो कमर कस लिए चाइना को अपोज करने को लेकर। देखिए पहले चाइना जो है ना वो ये अलग ही लेवल के ऊपर गेम खेल रहा है, मतलब उसने BRI बॉर्डर है ना, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, एक BRI प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया था, जिसमें यूरोप को भी उसने शामिल कर लिया था, अफ्रीका को शामिल कर लिया, एशियन कंट्रीज को शामिल कर लिया, पूरे दुनिया के अंदर ये समुद्र के थ्रू और रोड के थ्रू जो है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन करवाने को लेकर बोल रहा था, एक रूट है जो कि बनाने को लेकर बोल रहा था, एक प्रीवियस सिल्क रूट को बनाने को लेकर। शुरुआत में तो दोस्तों बहुत ही अच्छा अच्छा लगा सबको, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गई कि ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से ट्रैप है चाइना का। और इसी के तहत यूरोप ने भी दोस्तों खुद का प्लान है जो कि यहाँ पे घोषित कर दिया है, 300 बिलियन यूरो का प्लान है जो कि घोषित किया है, यानी कि चाइना से भी बड़ा दोस्तों प्लान है जो कि यहाँ पे इनके द्वारा घोषित किया गया है। यूरोपियन कमीशन ने अनाउंस किया है कि ये 300 बिलियन यूरो का, 350 बिलियन डॉलर का पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है
जो कि पूरी दुनिया में करेगी चाइना के बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटेजी को रेस्पॉन्स के तौर पे। ओके, 2021 से लेकर 2027 का ये टाइम ड्यूरेशन रखा गया है और काफी $340 बिलियन का प्लान है। किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, पूरे दुनिया में इन्वेस्टमेंट करेगी, एक तरीके से ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है जो कि ये लेके आ रहे हैं, समझ गए। चलिए, और इनका कहना है कि भाई हमारा कोई इंटेंशन तो नहीं है चाइना को राइवल और लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी बनाने को, लेकिन हम लोग खुद का ही जो है वो रोड मैप है जो कि बना रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो चाइना को काउंटर करने के लिए ही ये किया जा रहा है। ठीक है गाइस, 2013 के अंदर जो है वो चाइना के द्वारा BRI प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था, जिनपिंग का जो है वो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था। ओके, और इन्होंने जो है 2020 तक $139 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी ये लोग कर चुके हैं, और इस साल के अंदर ही $22 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट है जो कि कर चुके हैं, जिससे ये लोग एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अंदर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, समझ गए मेरी बात। और अगर इसमें बहुत ही बड़ी बात पता है क्या इसमें, कि चाइना ने दोस्तों बहुत सारे देशों को कर्जे में डाल दिया है। ये देखिए इसका प्रोजेक्ट, देखिए ये देखिए, ये तो लैंड वाला रूट है चाइना ने, देखिए बीजिंग से हर जगह पे जो है वो लैंड का रूट है सामान भेजने के लिए, और ये देखिए समुद्र वाला मैरीटाइम, देखिए पूरा एशियन कंट्री, पूरा अफ्रीका कवर कर लिया, यहाँ पे यूरोप तक सामान लेके जा रहा है, हर जगह अपने बेस बना दिए, पाकिस्तान में ग्वादर जो भी जिबोती में बना दिए, कोलंबो में बना दिया, म्यांमार में बना दिया, है ना, इस तरीके से दोस्तों ये काम कर रहा है। तो उसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, इसके अंदर इसने सबसे पहले टारगेट बनाया लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज को, और वहां पे उनको नियर बाय $450 बिलियन का दोस्तों उनके ऊपर कर्जा है जो कि हो चुका है। काम करने के बाद में क्या होता है कि वैल्यू भी बढ़ती है किसी भी चीज की, तो उनका वैल्यू बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा कर्जा है जो कि छोटे कंट्री के ऊपर हो चुका है। आप देखोगे तो काफी डोमिनेंट पोजिशन है जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस मार्केट में हो चुकी है, और इससे दुनिया के ऊपर काफी बड़ा कर्जा है जो कि उसने डाल दिया। एक स्टडी करी गई थी AID डेटा के द्वारा, जिसमें बताया गया दुनिया के 42 कंट्रीज दोस्तों, जो गरीब कंट्रीज है ना, उनके ऊपर 10% से ज्यादा उनके GDP का कर्जा है जो कि चाइना का हो गया है। अब चाइना पता है क्या करेगा, उनको बोलेगा अपनी लैंड दे दो, मैं यहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला बेस बनाऊंगा, नेवी का बेस बनाऊंगा, एयरफोर्स का बेस बनाऊंगा, और कुल मिला के उनको देशों को धीरे धीरे अपने उनके रिसोर्सेज काम में लेने लग जाएगा, माइनिंग करने लग जाएगा, है ना। तो वर्ल्ड बैंक के जो डेप्थर रिपोर्टिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर भी दोस्तों चाइना ने जो है ना वो बहुत ही अंडर रिपोर्टिंग करी थी। ओके, तो इससे किसी को दुनिया को पता भी नहीं है। 35% जो चाइना का BRI इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो करप्शन के स्कैंडल हो रहे हैं, लेबर का वायलेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल हजार्ड है, पब्लिक प्रोटेस्ट है, ये सब देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है दोस्तों वो भी काफी कर्जे में जो है वो चाइना के चला गया, और पाकिस्तानी जनता भी जो है इस चीज के ऊपर बहुत टाइम से जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। मतलब हद तो ये हो गई जब उन्होंने दोस्तों चाइनीज लैंग्वेज को भी जो है वहां पर रिकॉग्नाइज कर दिया, और अगर जहां पे ये रोड बन रहा है ना इनका, जो CPC जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है, वहां पे नॉर्मली चाइनीज जो है आपको चलते हुए घूमते हुए फिरते हुए वहां पर मिल जाएंगे। तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अजीब समस्या हो गई है, मतलब ये कि ना तो उनको कुछ बोल सकते हैं, ना उनका कुछ कर सकते हैं, पैसा भी लेना जरूरी है। चलिए ठीक है, ये देखिए 100 से ज्यादा कंट्रीज ने दोस्तों BRI प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था, जहां पे रेलवे, पोर्ट, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर 2013 में इसकी शुरुआत करी गई। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ट्रेड फॉर्मेशन, इन सबको लेकर पांच तरीके की एक्टिविटीज है जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था। पहला था तो है इनका न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और दूसरा मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, चलिए इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आपको मालूम है ना दोस्तों कि अगले साल से पॉसिबिलिटी है कि रेलवे, SSC और बैंक, ओके, रेलवे, SSC और बैंक तीनों को मिलाकर जो है वो एक पेपर करवाया जाए, जिसका नाम होगा CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि NTA के द्वारा करवाया जाए। आपको मालूम है ये प्रपोज्ड है, तो यानी कि जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें तो ये हो गई बात, समझ गए। फिर इसमें Tier 2 होगा जो कि बैंक का अलग होगा, SSC का अलग होगा और रेलवे का अलग होगा। फर्स्ट जो पेपर होगा वो कॉमन होगा तीनों का, जिससे फिल्ट्रेशन है जो कि हो जाएगी, है ना। ये अगले साल से मुझे लगता है कि जून जुलाई से होने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और आपके इस बार के जो रेलवे की है डेट है वो भी जो है वो जल्दी आने की पॉसिबिलिटीज है। काफ़ी बड़ा कैंपेन है जो कि कल आप लोगों ने ट्वीट किया था, और काफ़ी पूरे वर्ल्ड में जो है वो रैंक कर गया था। तो अभी मुझे खैर एक से थोड़े से इनसाइट्स है, मतलब कि 1 से 2 महीने के अंदर आपके रेलवे का जो है वो डेट का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, जो आपका NTPC का अटका पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा जो ये CET वाला है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एग्जाम होने की बात करी गई है।
अब यहाँ पे दोस्तों यूजीसी ने क्या बोला है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो टेस्ट होते हैं ना उसको भी एक कर दिया जाए। ये भी दोस्तों एक इनिशिएटिव है जो कि लाया जा रहा है। आपको मालूम है अभी क्या होता है कि आपकी ट्वेल्थ की जो भी परसेंटेज आती है, ट्वेल्थ क्लास की जो भी आपकी परसेंटेज होती है, उसके भी आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करते हैं। आपको मालूम है ना, डिफरेंट कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई करते हैं, है ना, ट्वेल्थ की परसेंटेज के भी आप, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना वो एक सिंगल एग्जाम है जो कि करवाए, और उस एग्जाम से जो है वो सभी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है क्या वो बच्चों का एडमिशन मिले। ये बात है जो कि यूजीसी के द्वारा दोस्तों बोली गई है। रोल आउट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2022-23 यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को बोला है दोस्तों। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये करवाने के लिए बोला है, ठीक है गाइज। और अगले साल इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि नाम इसको दिया गया। इसको भी कौन करवाएगा, इसको भी NTA ही है जो कि करवाएगी, समझ गए मेरी बात। अब इसके अंदर नुकसान और फायदा क्या है दोस्तों, इसमें नुकसान तो ये है कि कोचिंग वालों के और मजे हो गए, क्योंकि कोचिंग अब बच्चे क्या करेंगे, ट्वेल्थ के साथ में इस एग्जाम की भी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम जो होगा वो पहला वाला बिल्कुल कॉमन है, मैथ है, आपके GK है, थोड़ी बहुत इंग्लिश है, रीजनिंग है, यही है, है ना। और दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि बच्चे के जो ट्वेल्थ के ऊपर जो परसेंटेज का बोझ है वो इसके ऊपर कम हो जाएगा। तो कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है। अभी 2-3 साल इंप्लीमेंट होगा तब पता चलेगा कि क्या इसका फायदा नुकसान है, है ना। CUET को लेकर मतलब बस ये चीज़ें ना हो कि यार ये कोचिंग वाला और ये सब चीज़ें वापस से जो है और चीज़ें जो है वो फ्लॉरिश कर जाए। मतलब अगर मैं बात करूं, देखिए स्कूल की एजुकेशन जो होती है वो मेरे को लगता है कि मोर देन सफिशिएंट होनी चाहिए एक बच्चे के लिए। स्कूल को खुद को इतना अच्छा पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को कोई नीट IIT या किसी भी तरीके से कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। और यूनिवर्सिटी का भी ये बनता है कि वो भी अपने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए, ट्रेन करे कि जब वो कॉलेज से निकले तो उनके पास में कुछ अच्छी चीज़ें हो सीखने के लिए, आगे जाने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल और कॉलेजेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, उसकी वजह से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा इंडस्ट्री है जो कि फ्लॉरिश हो गया, है ना। आगे बात करते हैं, जो कि एक एडवर्टीजमेंट आया, एडवर्टीजमेंट के साथ में कवर भी कर लेंगे। तो ये देखिए 2 दिसंबर है आज और नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी है, और महाराष्ट्र को दोस्तों इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड है जो कि अभी COP26 के अंदर ग्लासगो में काम करने के लिए मिला था। आदित्य ठाकरे यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्टर है यहाँ पे, तो इनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो ये वाला भी और एक ये वाला भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। देखो आपको मालूम होगा कि देश में सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो कौन सा है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत आंसर करोगे। देश में सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है वो महाराष्ट्र को माना जाता है, मालूम है ना आपको। लेकिन इस बार दोस्तों महाराष्ट्र से चेंज होके गुजरात है जो कि अब देश का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि बन चुका है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। इसका जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में, वो 15% एनुअली ग्रो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 12 से लेकर 20 तक, और 5.11 लाख करोड़ है जो कि पहुंच चुका है। तो ये रिसेंटली RBI के द्वारा डाटा है जो कि रिलीज किया गया। तो यहाँ पे जो गुजरात की ग्रोथ रेट हुई है मैन्युफैक्चरिंग में 15%, और महाराष्ट्र की बात करें तो 7.5% के आसपास है जो कि हुई है। तो इसका तो पूरा 5.11 लाख करोड़ पहुंच चुका है। दोनों ही जो है, देखो कोस्टल एरिया होता है ना तो उसके बेनिफिट अलग ही होते हैं किसी भी राज्य को, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग, पानी और इन सब चीज़ों के बहुत बेनिफिट मिलते हैं, सी रूट के बहुत बेनिफिट मिलते हैं। और ये जो है इसका 4.34 लाख करोड़ है, तो यानी कि महाराष्ट्र से आगे है जो कि गुजरात निकल चुका है, नेशन बिगेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग हब पहुंच चुका है। जो इसमें वर्स्ट परफॉर्मर रहे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो रहे दोस्तों राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहाँ पे एवरेज एनुअल ग्रोथ दोस्तों 3.8%, 5%, 6% के आसपास है जो कि रही है, ठीक है। GVA होता क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता क्या है, जब GDP में से आप माइनस करते हो आपके नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को, GDP में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे तो GVA आएगा, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं, समझ गए मेरी बात, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई है जो कि आप लोगों ने किया है, उस स्टेट ने किया है। तमिलनाडु 3.43, कर्नाटका 2.1, UP 1.87, ये सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है गाइज। और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो 16 लाख करोड़ के आसपास है और 9.7% से जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2012 के बाद में ग्रो कर रही है।
ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। महाराष्ट्र दोस्तों अभी भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर लीड कर रहा है। अभी हमने जो बात करी थी वो मैन्युफैक्चरिंग की करी थी, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अभी भी महाराष्ट्र नंबर वन के ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चा बोल रहा है मारो राजस्थान गए हो। मारो राजस्थान तो पहले से ही गए ही है राजस्थान का। तो राजस्थान के अंदर वैसे पोटेंशियल बहुत है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो जनता को इतना बढ़िया मामू बनाती है, एक बार बोलते हैं तू राज कर, एक बार बोलते हैं तू राज कर, दोनों पार्टीज एक दूसरे को जो है वो टॉस सत्ता देती रहती है। दोनों को पता है इस बार मैं भी काम नहीं करूँगा तो तू आएगा, तू काम नहीं करूँगा तो मैं आएगा, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं एक तरीके से। तो दोनों जनता को बढ़िया मामू बनाते रहते हैं मिलकर। चलिए, जबकि पोटेंशियल बहुत है राजस्थान के अंदर, रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर, विंड एनर्जी के अंदर, आपके क्रूड ऑयल के अंदर, बाड़मेर के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज है, जलमहल में, जैसलमेर में, ना जोधपुर के अंदर बहुत है रिसोर्सेज, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ी है जिसके ऊपर राजस्थान आज भी बेचारा चल रहा है, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपके लिए। वैसे तो खैर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है। सुन के लग रहा होगा कि पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह कि देखो 1990 के बाद में दुनिया की 40% जो वेल्थ है ना, वो दुनिया के 1% लोगों ने दोस्तों ग्रो करी है। सोचिए ग्लोबल बिलेनियर वेल्थ 2021 में रिप्रेजेंट कर रही है 3.5% दोस्तों वर्ल्ड के टोटल हाउस होल्ड वेल्थ की, मतलब दुनिया के 3.5% घरों के अंदर जितनी वेल्थ है वो ग्लोबल वो कुछ 0.01% लोगों के पास में है। चलिए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अंदर बताई गई। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आप लाइफ में कभी भी अमीर बनेंगे तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मनी का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होते रहना चाहिए, समझ गए। आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी पैसा कमाएंगे, जितना भी कमाएंगे, यकीन मानिए इस सोसाइटी से ही, आप इस समाज से, इस सोसाइटी से ही दोस्तों ये पैसा है जो कि कमाने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई मार्स या जुपिटर से कमा के आओगे। तो कोशिश करेगा अपनी लाइफ के अंदर जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना उस पैसे को रखिए, और बाकी जो है वापस से जो हमारे नीचे के तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या फिर जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं दो वक्त की रोटी के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके अंदर उस पैसे को वापस से लौटाने को लेकर, ठीक है। पैसा कमाना चाहिए, मतलब आप लोगों को इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, मतलब ठीक है आप अमीर बनना आपका हक है, सबका हक है मतलब, और आप बनो मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप अमीर बन रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, मुझे मालूम है आप लोगों में से जो है बहुत लोग अमीर बनेंगे आने वाले टाइम पे, और कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा भी करोगे आप लोग किसी ना किसी टर्म्स में, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो, चाहे फिर आपके सर्विस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई से भी इंडस्ट्री हो, आप जब भी दोस्तों पैसा कमाओगे आप आम जनता के ही, देश के लोगों के सपोर्ट से ही कमाओगे, समझ गए मेरी बात। तो आपका जितने आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको जो चाहिए, ठीक है, उस उतना पैसा आप अपने पास रखिए, बाकी उस पैसे को दोस्तों वापस से जो है सर्कुलेट करिए। आप अपने बच्चों को मिलियंस ऑफ डॉलर देके जाओगे, उसका कोई औचित्य नहीं है, वो फुल अय्याशी करेगा या फुल उस पैसे को बचपन से ही लग्जरियस लाइफ जिएगा, उसको भी स्ट्रगल करने का मौका दो, ठीक है। जो एक बेसिक अच्छी एजुकेशन है वो अवेलेबल करवाओ और उसके बाद में जो है लेट हिम लिव हिज ओन लाइफ, है ना। लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि मैं आने वाली जनरेशन को इतना पैसा दे, ये कोई औचित्य नहीं है, उसको भी थोड़ा स्ट्रगल करने दो, उसको भी प्राउड करने दो अपने काम के ऊपर, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे संस्कार दो, दैट्स इट, ठीक है। हमारे संस्कार हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आप किसी भी एक से दूसरी जनरेशन को दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो है आप अपना बढ़िया घूमो फिरो, ऐश करो, और बढ़िया उन चीज़ों को अच्छे काम के अंदर पैसे को लगाओ, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जब देखते हैं दोस्तों, आपको मालूम है सिंगापुर और हांगकांग दुनिया में सबसे महंगी सिटीज़ है जो कि रहने के लिए मानी जाती है, लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। दुनिया के मोस्ट 10 एक्सपेंसिव सिटीज़ की बात करें तो तल अवीव जो कि इसराइल की सिटी है दोस्तों, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर दुनिया में नंबर वन पे है जो कि ये पहुँच चुकी है, और हांगकांग और सिंगापुर को उसने पीछे छोड़ दिया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जो इसको EIU के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट है जो कि जारी करी गई है, जिसमें इसराइल की जो सिटी थी वो 5वें नंबर से अभी नंबर वन पे आ चुकी है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2021 के अंदर नंबर वन के ऊपर है। उसके बाद है आपके दोस्तों सेकेंड नंबर के ऊपर है पेरिस, तीसरे के ऊपर है आपका सिंगापुर,
सिंगापुर और पेरिस दोस्तों जॉइंटली है, फिर ज्यूरिख हांगकांग ये सब है, फिर न्यूयॉर्क जेनेवा कोपेनहेगन लॉस एंजलिस ओसाका ये सारे सिटीज है जो कि आपको देखने को मिलती है। ठीक है गाइज, अगर हमारे दोस्तों इंडिया में हमारे लिए जो सबसे महंगी सिटीज है ना रहने के लिए वो है दिल्ली मुंबई, आपको मालूम ही है कितना ज़्यादा रेंट है, कितना ज़्यादा पैसे लगते हैं दिल्ली मुंबई में रहने के लिए। लेकिन अगर मैं ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो दुनिया की सबसे चीपेस्ट सिटीज़ में दोस्तों दिल्ली और मुंबई आती है। मतलब तो सोचिए हमारी जनता का कितना बुरा हाल है कि जो हमारे लिए सबसे महंगी सिटीज़ है जहाँ पर रहना हमें लगता है अरे यार क्या ये है ना, वो दुनिया में चीपेस्ट सिटीज़ में मानी जाती है। मतलब क्योंकि वो लोग तो फिर डॉलर के हिसाब से बाकी करेंसी के हिसाब से देखते ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर या जनसत्ता में वो सारे न्यूज है जो कि कॉमन है। आगे बात करते हैं नामदा क्राफ्ट इन कश्मीर को लेकर। ठीक है गाइस, हाँ भाई कोई बात नहीं, पेपर कट हो रहा है तो यार ठीक है। चलिए तो नामदा क्राफ्ट इन कश्मीर, देखिए द मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, ताकि रिवाइव कर सके वापस से किसको, नामदा क्राफ्ट को दोस्तों कश्मीर के अंदर। तो ये दोस्तों एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत 25 ऐसे बैचेस हैं जो कि लॉन्च किए जा रहे हैं 3 साइकिल में, जहां पे 2000 लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा और वापस से इनहेंस किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग को, ताकि वापस से इस स्किल को वो लोग इम्प्रूव है जो कि कर सकें। अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो नामदा है ना ये एक क्राफ्ट मेकिंग स्किल से, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है, पेपर के ऊपर वुल लेकर इसको प्रेस किया जाता है, इस तरीके से एक क्राफ्ट है जो कि बनाया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्राफ्ट है। और ओवर द ईयर जो है ये चीज़ जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, तो उसी को वापस से रिवाइव करने को लेकर जो है इसकी शुरुआत है जो कि करी जा रही है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पेपर के ऊपर रोल किया जाता है काफ़ी, और रोल करने के बाद में हाँ ठीक है इस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को लगा के काफ़ी देर तक रोल करने के बाद में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ये देखिए तो नामदा क्या है, एक रग है जो कि शिप वूल से दोस्तों बना हुआ होता है। ठीक है गाइस, द क्राफ्ट यूजुअली एक टेक्निक यूज करी जाती है जिसमें वेविंग प्रोसेस होता है ना, फ्लोर के ऊपर उसको रखिए, उसको काफ़ी देर तक उसको रोल किया जाता है। ठीक है ना, कोल्ड के अंदर दोस्तों ये काफ़ी काम है जो कि आती है। वुल जो है एक थिक लेयर है जो कि जूट मैट की इसके ऊपर लगाई जाती है ना। चलिए ये देखिए इस तरीके से, तो ओवर द टाइम क्या हो गया, जो स्किल्ड मैन पावर है वो कम हो गई, लो अवेलेबिलिटी हो गई रॉ मटेरियल की, और ये जो एक्सपोर्ट है नामदा क्राफ्ट का वो धीरे धीरे रिड्यूस होता था, बहुत कम हो गया। अब वापस से हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बारामूला के अंदर, रेनवारी, अनंतनाग, इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे मार्केट है जो कि इसका देखने को मिलता है। यूरोप और जापान में मोस्ट अट्रैक्टिव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जो कि माना जाता है ना। इनफैक्ट राजस्थान के टोंक जिले के अंदर भी दोस्तों ये देखने को मिलता है। वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया गया, जैसा कि आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो एवरी ईयर दोस्तों वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1988 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अवेयरनेस जो है क्रिएट करने को लेकर इस दिवस को मनाया गया। WHO ने दोस्तों ग्लोबल हेल्थ पब्लिक हेल्थ कैंपेन है जो कि 11 कैंपेन चल, देखो WHO के द्वारा पूरी दुनिया में 11 ऐसे डिजीज की कैंपेन है जो कि चलाए जाते हैं, उसमें से एक है दोस्तों आपका वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए ब्लड डोनर डे इंपॉर्टेंट है 14 जून, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, नो टबैको डे 31 मई, टीबी डे 24 मार्च, मलेरिया डे 25 अप्रैल और हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई, ये सारे के सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरे के पूरे 11 ग्लोबल कैंपेन है जो कि WHO के द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ नंबर दोस्तों, 1988 में जो है वर्ल्ड एड्स डे की शुरुआत हुई, हर साल 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग हैं दोस्तों जो कि एड्स से जिनकी मृत्यु होती है। 2/3 जो है फ्रैक्शन जो न्यू HIV डायग्नोसिस के हैं वो हर साल US के अंदर गे बायसेक्सुअल मैन जो है वो रेस्पॉन्सिबल बताए जाते हैं। ठीक है, 15% जो है गे और बायसेक्सुअल मैन की है US के अंदर जो कि HIV से रह रहे हैं, 25% गे और बायसेक्सुअल मैन की जॉर्जिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये US का कुछ डाटा है जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, थीम इस बार जो रखी गई है वो रखी गई है एंडिंग इनइक्वालिटीज, है ना, एंडिंग इनइक्वालिटीज। एवरी ईयर लास्ट वीक जो नवंबर का होता है उस टाइम हम एड्स अवेयरनेस वीक भी मनाते हैं। सैन फ्रांसिस्को में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। हमारे यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे यहाँ पे 20 लाख लोग हैं जो कि इंडिया में एड्स के साथ में 2017 में रह रहे थे। दुनिया में दोस्तों 3rd लार्जेस्ट है साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के बाद में।
हालांकि लेकिन जो प्रिविलेंस रेट है एड्स की फैलने की जो रेट है वो काफी कम है इंडिया की, और हम लोग दुनिया में 80वें नंबर के ऊपर आते हैं, 0.3 है इंडिया की, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए नंबर भी काफ़ी ज़्यादा है ना। एंटी रिट्रोवायलेट ड्रग के साथ में फाइट है जो कि की जा सकती है एड्स के साथ में। एक्चुअली में होता क्या है, जब HIV आपकी बॉडी में दोस्तों पहुंचता है तो आपके जो टी लैम्फोसाइट्स जो आपकी इम्यूनिटी वाले लड़ने वाले जो सेल है ना उनको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, फिर आपकी बॉडी में लड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर सर्दी जुकाम कुछ भी होगा ना तो बॉडी रिएक्ट ज़्यादा करती है और सही होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एड्स से दोस्तों कौन कितने साल जिएगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कई सारे लोग 5 साल 10 साल भी निकाल देते हैं, 15 साल भी निकाल देते हैं अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग के साथ में आप कुछ दिन ज़्यादा है जो कि बेहतर तरीके से जी सकते हो। हमारे यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड इस एरिया में दोस्तों प्रेवलेंस रेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर है जो कि HIV के देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो 1992 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दोस्तों एड्स के कंट्रोल करने की बात करी गई, और पहली बार 1998 में हमने एस्टिमेशन किया, 2017 में हमने लास्ट जो है वो गिनती करी। नैको अपना नंबर ऑफ सेंटर भी इंक्रीज किया इन्होंने ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स एंड नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मिलकर जो है हर 2 साल के अंदर एस्टिमेशन है जो कि करते हैं, है ना। 2020 में कोविड की वजह से एस्टिमेशन नहीं कर पाए। आगे बात करते हैं न्यू मरीन रेप्टाइल को लेकर दोस्तों, यहाँ पे एक न्यू मरीन रेप्टाइल है जो कि डिस्कवर करी गई है जिसका नाम है यहाँ पे सैचिकेसम नाम से इसका रेप्टाइल का नाम है। ये मरीन रेप्टाइल है जो कि डिस्कवर करी गई इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर के द्वारा, ये एक्सटेंट हो चुकी है पूरी दुनिया से तो, और हम लोग पहले तो ये समझ रहे थे कि भाई चलो ठीक है ये एक प्रैथी, ठीक है एक जेनस है उसके से बिलोंग किया करता था, प्लेटी टिग्रीजस जेनस नाम है तो इससे ये बिलोंग करता था, लेकिन बाद में पता लगा ये पूरी की पूरी डिफरेंट स्पीशीज है ना। तो सचिकरम नाम से हमने इसका नाम है जो कि रखा है, ओके गाइस। और ये आपको सेंट्रल कोलंबिया वाले एरिया के अंदर है जो कि देखने को मिलती थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ना। कल्चर जो है उसी से काफ़ी सिमिलर है। चलिए जुरासिक पार्क वाला जो पीरियड था ना उस वाले टाइम की दोस्तों ये बताई जा रही है, एक तरीके से डॉल्फिन की शेप की बॉडी थी, बड़ी बड़ी आईज थी, टीथ काफ़ी मजबूत थे, कई सारे अडोप्टेशन है जो कि इसने झेले हैं, शेलो वाटर के अंदर भी ये रुक जाया करती थी। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों लिथियम को लेकर, रिसेंटली साइंटिस्ट ने पता लगाया मिस्ट्री बिहाइंड द हाई अबंडेंस ऑफ लिथियम इन सम इन्वॉल्व्ड स्टार्स। कई सारे स्टार्स में क्या है दोस्तों कि लिथियम है ना वो बहुत ही ज्यादा है। अब ये कहां से आई कैसे आई इसके बारे में मिस्ट्री थी, तो अभी रिसेंटली प्रिडिक्ट किया गया है कि जब हॉट प्लाज्मा स्टार का डिस्ट्रॉय होता है तब दोस्तों क्या होता है, ये लिथियम जो है उसको ट्रेस है, लिथियम है जो कि ट्रेस देखने को मिलते हैं। लिथियम हम लोग इसके ऊपर क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि रिचार्जेबल दोस्तों बैटरीज के ऊपर की कंपोनेंट है जो कि लिथियम माना जाता है ना। तो इन्वेस्टिगेशन करी गई रेड जाइंट के ऊपर, 1% सन लाइक जो बड़े बड़े रेड जाइंट है ना उनके ऊपर लिथियम सरफेस है जो कि देखने को मिला। तो इसमें 5 लाख स्टार के ऊपर ये कुल मिला के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है रिसर्च करी जा रही है, लिथियम प्रोडक्शन के ऊपर कैसे प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर बात करी जा रही है, ओके। तो रिच जो लिथियम रिच स्टार्स है वो बर्न कर रहे हैं हीलियम के अंदर अपनी कोर के अंदर। चलिए तो लिथियम की बात करें, केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li है, एक सिल्वर व्हाइट मेटल है और लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है, रिएक्टिव है, फ्लेमेबल है ना, मिनरल ऑयल में इसको स्टोर करना पड़ता है, एक तरीके से व्हाइट गोल्ड है जो कि आज के टाइम पे बन चुका है क्योंकि रिचार्जेबल बैटरीज में बहुत काम आता है ना। दुनिया में बात करें तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये 3 कंट्रीज है जहाँ पे लिथियम काफ़ी देखने को मिलता है, समझ गए मेरी बात। बहुत ही यूजफुल अलॉय माना जाता है, व्हाइट मेटल है आज के टाइम पे, इंजन के अंदर, एयरक्राफ्ट में, बहुत जगह पे, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में इसको बहुत जगह पे, लैपटॉप व्हीकल्स बहुत जगह पे काम में लिया जाता है, ठीक है गाइस। चलिए हिस्ट्री की बात करें तो स्वीडिश केमिस्ट एक जोहन ऑगस्ट, उनके द्वारा इसको पहली बार है जो कि एक रॉक के अंदर डिस्कवर किया गया था, आयरन ओर के अंदर, स्वीडन के अंदर है ना। उसके बाद में सेपरेट करने की कोशिश करी गई लेकिन वो फेल हो गए, ओवर द टाइम दोस्तों धीरे धीरे इसकी शुरुआत करी गई। दुनिया में चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, ये सबसे ज्यादा रिजर्व है जो कि इनके पास में है, ओके। हम लोग भी कर्नाटका के अंदर दोस्तों इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं, 14,000 टन जो है स्मॉल पैच है जो कि लिथियम के हमें सदर्न कर्नाटका के अंदर देखने को मिले हैं, फर्स्ट एवर लिथियम डिपॉजिट साइट है जो कि हमारी कर्नाटका में डिस्कवर करी गई।
ये देखिए लिथियम इंपोर्ट की बात करें तो 1.2 बिलियन डॉलर की हमने इंपोर्ट करवाई 19 के अंदर, 17 में 350 मिलियन डॉलर की। तो यानी कि देखिए कितनी 4 गुना ज्यादा ग्रोथ है जो कि 2 साल के अंदर हो गया। हमारे पास में कितना है इसके बारे में जानकारी नहीं है। 14,000 टन कर्नाटक में जरूर मिला है। हम लोग चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना से ही दोस्तों यहाँ पे मंगवाने की कोशिश करते हैं। इंडिया ITU ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 करवाई गई। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दोनों ने मिलकर एक साइबर ड्रिल है जो कि 2021 करवाई है। ठीक है गाइज, अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि साइबर क्राइम दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसी को लेकर ये ड्रिल है जो कि करवाई गई है। आप देखिए 2021 के अंदर पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में साइबर क्राइम काफी बढ़ रहा है। साइबर अटैक जो है वो $6 ट्रिलियन का कॉस्ट कर गया पूरी दुनिया में 2021 में। कंपनी जो है वो रैंसमवेयर अटैक हर 6 सेकंड के अंदर उनसे वसूली है जो कि ऑनलाइन कोई ना कोई करता है। 24,000 सस्पिशियस ऐप है जो कि डेली बेसिस पे डिलीट करी जा रही है। 21% दुनिया में फाइल प्रोटेक्टेड नहीं है। 60% फ्रॉड जो है मोबाइल फोन के द्वारा हो रहे हैं। आजकल तो आपको मालूम है कि मोबाइल फोन के ऊपर QR कोड आता है और बोलता है कि इसको स्कैन करो आपको पैसे मिल जाएंगे। जब आप स्कैन करते हो तो आपके पैसे चले जाते हैं आने के बजाय, और मल्टीपल टाइम चले जाते हैं, मतलब है ना, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। चलिए 90% हैकर जो है वो इंक्रिप्शन यूज करते हैं ताकि उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है, और 41% डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम लूज होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखिएगा। ये कुछ टर्म्स है जो कि इससे संबंधित है। CIRT का मतलब है कंप्यूटर इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर रेस्पॉन्स टीम, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, है ना, ये कुछ वर्ड्स है जो कि काम में लिए जाते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा स्माइल फॉर ऑल ने ऑल इंडिया ग्रोथ ड्राइव है जो कि लॉन्च किया है मोर देन 50 सिटीज के अंदर इंडिया में। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ओके, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, बहुत जगह पे दोस्तों हम लोग एक क्लोथ ड्राइव है जो कि कर रहे हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये देखिए उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर भी क्लोथ ड्राइव हो रही है, जहाँ पे पुराने जो कपड़े हैं आपके वो जरूरतमंद लोगों को दोस्तों सर्दियों में दिए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को काम आ सके। तो विशाखापट्टनम में भी, हैदराबाद में भी, बहुत जगह पे दोस्तों इनिशिएटिव है जो कि चलाया जा रहा है पूरे इंडिया में। ठीक है, आज के दिन की इतिहास की बात करें, 1921 के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी को अरेस्ट किया गया था, 6 महीने दोस्तों जेल में रहे थे। 1963 के अंदर नागालैंड जो है वो 16वां राज्य बना भारत का। 1982 के अंदर फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट का जो है वो ट्रांसप्लांट है जो कि करवाया गया था। ठीक है, नेपोलियन पहली बार 1804 के अंदर दोस्तों हेड बना फ्रांस का। डेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, काटना। डिस्पेल का मतलब है दूर करना। यूसर्प का मतलब है किसी चीज को सीज कर लेना, छीन लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेपर में आता रहता है। प्रोप का मतलब है जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना। इंपार्ट का मतलब है प्रदान करना। स्लैश का मतलब है किसी चीज की आलोचना करना। विलीफाई, स्कॉन, सेंश्योर, ये अच्छे वर्ड है काफी। ठीक है, आज का फन फैक्ट है दोस्तों जो कि है दोस्तों आइंस्टीन को लेकर। आइंस्टीन और ये जो फोटो आपको नजर आ रही है ना, ये भारत रत्न अपने दोस्तों DK कार्वे जी को लेकर है ना, वो पर्सन जिन्होंने भारत का फर्स्ट स्कूल बनाया विडोज के लिए, पहली यूनिवर्सिटी बनाई महिलाओं के लिए। ओके, एजुकेशन में इन्होंने बहुत काम किया दोस्तों देश के लिए, लेकिन आज के टाइम पे जो है काफ़ी, मतलब बहुत ही कम बच्चों को है जो कि इनके बारे में पता होगा, है ना। पॉलिटाइज होने की वजह से हमारे लीडर्स भी दोस्तों जो है पॉलिटिक्स वाले लोगों के द्वारा बांट दिए गए, और जो रियल उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थे, जो उनके विचार थे, जो उनके काम करने के तरीके थे, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बरी हो गए। ओके, सो इट्स बेटर टू लाइट ए लैम्प इन द डार्कनेस देन कर्स इट। ओके, तो ये दोस्तों फोटो है जो कि, मतलब हमारे जो पुराने लीडर्स थे ना, दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते थे, आज पता ही नहीं है बच्चों को उनके बारे में। चलिए, तो ये हो गया आज का सेशन। BHU 10 या भुवनेश्वर लगाना मत भूलिए। अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते वक्त SSC में आप देख सकते हैं, मात्र 250 रुपये पर मंथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, और आपका आइकॉनिक SSC कोर्स है 350 रुपये पर मंथ का। आपको ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है SSC UPSC, जो भी आपका गोल है, एग्जाम है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए 12 या 24 मंथ पे, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, SSC के अंदर फाउंडेशन बैच में मैं आपको कंप्लीट GS पढ़ाई रहा हूँ, आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। और smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाकर एक बच्चे के एजुकेशन भी आप 500 रुपये पर मंथ पे पिज्जा की कॉस्ट पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, या चाहे तो वॉलंटियर भी बन सकते हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन है इंटरनेशनल एड्स डे दोस्तों कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है मांड्या दोस्तों कौन से स्टेट के अंदर जहां पे हमें रिजर्व मिले लिथियम के। हाउ मेनी ऑफिशियल ग्लोबल हेल्थ कैंपेन जो है WHO के द्वारा चलाए जाते हैं, यहाँ पे इसको हटाओ, 10, 11, 12, 13। नेक्स्ट है कितना परसेंट सनलाइक रेड जाइंट है जो कि हीलियम एनरिच्ड सरफेस पे देखने को मिलता है।
न्यू स्पीशीज जो अभी देखने को मिली है दोस्तों, है ना, सच्ची कारम, ये कौन से कल्चर की वजह से इसका नाम रखा गया है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, मिलते हैं वापस से शाम में 5 बजे क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।